वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले ये कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा फ्रेज होता है जो हमारे सेंटेंस को, हमारी कहानी को, हमारी कहावत को या फिर हमारी कविता को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे हमें पता है कि दाल में और अच्छी बनाने के लिए उसमें तड़का लगाते हैं, इसी तरह से हमारी लैंग्वेज में और अच्छे से उसे बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और ये हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। सेक्शन सी में पहला ही क्वेश्चन जो आता है पोएम का, उसमें डिवाइस पूछी जाती है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच वाली डिवाइस है। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है, ये भले ही एक नंबर की आती हो फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है, तो हमें खाली नहीं करना है घड़ा, हमें घड़ा भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच की समझने की। तो सबसे पहले ये फिगर ऑफ स्पीच की हमारी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है फिगर ऑफ स्पीच की, वो है अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और फ्रेज। एक फिगर ऑफ स्पीच एक वर्ड या फ्रेज होता है जो पोसेस या एड्स, जो पोसेस करता है, जो रखता है, ऐड करता है अ सेपरेट मीनिंग, एक अलग मीनिंग, एक सेपरेट मीनिंग किस चीज़ की, फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन। मीन्स जो उसकी डेफिनेशन होती है उसको और अलग से, उसको अलग से ऐड करे, सेपरेट करे, प्रोसेस करे। मतलब कहने का सीधा सीधा यही है कि फिगर ऑफ स्पीच हमारी एक वर्ड या फ्रेज ऐसा होता है जो किसी सेंटेंस में जो उसका लिटरल मीनिंग है, डेफिनेशन है, उससे अलग और ज़्यादा उसमें कुछ तड़का भड़का लगाएगा, तो उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे मेन हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो यहाँ पे आपको आज सिखाई जाएंगी 13। तो जैसे पहला वाला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली मतलब होता है उपमा, और ये याद रखना है कि जब कभी भी हमारे एक जो पोएटिक डिवाइस होती है उसकी लाइन में अगर लाइक और एज का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक और एज वर्ड आ रहे हैं उसमें, तो समझ जाइए वो सिमिली वाला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे As wise as an owl, इतना बुद्धिमान जैसे कि एक उल्लू। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब से कोई मतलब नहीं है कि उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि उस लाइन में लाइक और एज है या नहीं। अगर उस लाइन में लाइक और एज है तो समझ लीजिए कि हमारा सिमिली है और एक नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो लाइक और एज है तो समझ जाइए कि हमारी सिमिली है। उसके बाद एग्जांपल है यू आर लाइक ए लायन, तुम एक शेर की तरह हो, तो इसमें भी क्या यूज हुआ, लाइक। तो लाइक इसमें यूज हुआ है, एज इसमें यूज हुआ है, इसका मतलब ये कौन से हुए, ये हुए हमारे सिमिली वाली फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद आता है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक। अभी हमने पढ़ा कि सिमिली, सिमिली होता उपमा, इसमें हम लाइक और एज लगाते हैं किसी की तरह बताने के लिए, लेकिन हम इसमें किसी की तरह बताएंगे कि उसकी तरह है, लेकिन इसमें हम लाइक और एज नहीं लगाएंगे। तो यही इसका थोड़ा सा डिफरेंस है समझने का। जैसे एग्जांपल शी इज अ नाइट आउल, वह एक रात वाली उल्लू है, मतलब हमने उल्लू वाली क्वालिटी बताई है उसमें। यहाँ हमने उसको उल्लू बताया था, तो यहाँ हमने एज और लाइक की तरह यूज करेंगे सिमिली बताने के लिए, यहाँ हम एज और लाइक यूज नहीं करेंगे लेकिन मीनिंग वही होगी। तो शी इज अ नाइट आउल, क्वालिटी बताइए, मतलब ये हमने एक रूप बताया है, तो ये क्या है, मेटाफोर। इसी तरह से दूसरा हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल। अभी हमने पत्थर का दिल बोला है, लेकिन अगर हमें इसे सिमिली बनाना हो तो हमें इसमें लाइक और एज लगाना पड़ेगा। जैसे हार्ट लाइक अ स्टोन, तो ये हमें पता चल जाएगा सिमिली है, लेकिन हमें पता है कि हमने लाइक और एज नहीं लगाया है, लेकिन सेंस वही है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा मेटाफोर। उसके बाद चलते हैं आगे तीसरे नंबर पे हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। ये सेंटेंस, ये हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हमारा जो एक स्टार्टिंग का लेटर होता है वो एक सेम सेंस देता है, राइम देता है। जैसे कि शी सेल्स, शी सेल्स, सेम साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में। दूसरा निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, तो ये सारे हमारे जो दोनों सेंटेंसेस है इसमें कहीं ना कहीं जो पहला लेटर है वो सेम साउंड दे रहा है, सेम ध्वनि दे रहा है, इसलिए कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा एलिट्रेशन। बहुत आसान है ये समझना। उसके बाद है हमारा चौथा एनाफोरा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आदपुनरुक्ति। आदपुनरुक्ति इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये होता है कि इसमें एक एक जो सेंटेंस होता है,
एक ही बड़े सेंटेंस में जो थोड़े थोड़े तुक में टूटे हुए सेंटेंस होते हैं इसमें वो बताए जाते हैं। जैसे आई केम, मैं आया, आई सॉ, मैंने देखा, आई कंक्वेड, मैंने सुनिश्चित किया। तो ये हमारा एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें तीन को हमने डिवाइड कर रखा है। और ये चीज़ें हम बहुत अपनी जिंदगी में डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये है क्या। पता हमें करना पड़ता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम डेली में ही बोलते हैं कि मैं वहाँ गया, ये किया, वो किया, ये किया, तो ये कहीं ना कहीं एनाफोरा वाला हमारा फिगर ऑफ स्पीच होती है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है वी एट, वी स्लेप्ट, वी ड्रीम्ड, हमने खाया, हम सोए, हमने सपना देखा। तो ये कौन सा वाला हमारा एलिट्रेशन एनाफोरा है। क्यों एनाफोरा क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पता चल रहा है क्या एक ही सेंटेंस में डिवाइडेड सेंटेंसेस हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली हमें आ गया। उसके बाद है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है हमारा व्यंजना। इसमें व्यंजना में क्या होता है यूफेमिज्म में, इसमें ये होता है कि हम सीधा सीधा कोई चीज ना बता करके उसको तोड़ मरोड़ के दूसरी चीज में कहते हैं। जैसे अ लिटिल थिन और अ लिटिल थिन ऑन द टॉप, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, हम गोइंग बाल्ड की बजाय मतलब गंजा होने की बजाय हम क्या कह रहे हैं, अ लिटिल थिन मतलब थोड़ा सा पतला होना, ऊपर से टॉप से थोड़ा सा पतला होना। हम सीधा सीधा ये भी तो कह सकते गंजा होने के लिए, गंजा होना, बाल उतरवाना, लेकिन नहीं हम बोल रहे हैं अ लिटिल थिन ऑन द टॉप, ऊपर से थोड़ा सा पतला होना, पतला होना मतलब कि बाल उतरवाना। दूसरा एग्जाम्पल है पास डबे। पास डबे का हमें पता है मतलब गुजर जाना होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डेड हमने डेड की बदले, डेड मतलब मृत्यु के बदले हमने क्या बोला, पास्ड अवे। अब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि वो गुजर गया, अब हमने सीधा सीधा ये नहीं बताया कि वो मर गया, हमने बोला वो गुजर गया। गुजरना तो उसको भी कहते हैं कि वो यहाँ इस गली से गुजर गया, उस गली से गुजर गया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमने उसके मर जाने के बदले, मर जाने के वर्ड के बदले, डाइड के बदले हमने बोला पास्ड अवे। तो यही सेंटेंस होता है कौन सा, यूफेमिज्म, जिसमें एक व्यंजना दिखाई जाती है मतलब जो सेंस होता है उसको हटा करके दूसरे सेंस में बोला जाता है। मतलब एक कहते हैं ना कि इधर उधर की हांकने वाला सेंस वाला है ये। उसके बाद आता है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। इसमें क्या होता है हाइपर, इस वर्ड से ही हमें पता चला हाइपरबोल। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं बहुत ज्यादा। मीन्स जैसे आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम, मैंने तुम्हें रुकने के लिए मना किया है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा है 1000 बार। मतलब एक दो बार भी अगर तुम किसी चीज को लिए कह दोगे, टोक दोगे, तो उसे तुम 1000 बार बोलो, यही अतिशयोक्ति होती है। आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं इसे हमेशा कर सकता हूँ, हमेशा कोई किसी चीज को नहीं कर सकता। तो ये होते हमारे हाइपरबोल। जैसे बोलते मेरे पास एक मार्कर है, या मेरे पास कल को 4-5 मार्कर भी हैं, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1000 मार्कर हैं। तो 1000 है नहीं, लेकिन ये कौन सा वाला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, हमारी हाइपरबोल। तो ये हमारे कौन सी होती है, हाइपरबोल वाली। उसके बाद है आयरनी। आयरनी होती है हमारी व्यंग। व्यंग मतलब होता है दूसरा सेंस में ताना। जैसे मान लो कि हमारी क्लास शुरू होती है 9 बजे और कोई बंदा, कोई स्टूडेंट आए 9:10 पे, 9:15 पे, तो हम उसे ताना देते हैं कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। तो ये होते हैं हमारे व्यंग वाले, आयरनी वाले, ताना वाले। जैसे अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, मतलब कि एक फायर स्टेशन ही जल जाता है। फायर स्टेशन का काम क्या होता है, फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, दूसरों की आग जो जल रही है उसे बुझाना, लेकिन वो खुद ही जल गया। ये तो एक ताना हुआ, ये तो एक व्यंग हुआ, मजाक हुआ। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब, एक पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया जाता है। पुलिस किस लिए होती है, हमारे जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन उसको ही लूट लिया गया। तो ये एक ताना है, ये व्यंग है, तो आयरनी क्लियर। उसके बाद होता है हमारा ओनामोटोपिया। ओनामोटोपिया क्या होता है, अर्थानुरण। अर्थानुरण क्या होता है, इसमें सिंपल हमें याद रखना है कि इसमें साउंड आता है। इसमें सिंपली किसी भी सेंटेंस में अगर कोई साउंड आता है किसी चीज का, तो समझ लीजिए क्या है, ओनोमाटोपिया। जैसे बज, बज कौन करती है, तितलियां, मधुमक्खियां, और क्या कहते हैं, मक्खियां, ये सब बज करते हैं, भिन भिनाने की आवाज करते हैं, तो इसे बज कहा जाता है। हिस, हिस कौन करता है, सांप वगैरह करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दोनों। और बहुत सारे साउंड होते हैं, हर जानवर के भी होते हैं और बहुत सारी चीजों के होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के भी साउंड होते हैं। तो जिसमें भी साउंड की बात की जाए, तो साउंड का मतलब है ओनोमाटोपिया वाला हमारा कौन सा है, फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद आता है हमारा 9वें नंबर पे ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कौन सा होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन को याद रखने का तरीका यह है कि ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीमोरॉन, मतलब कि
हमारा अपोजिट सेंटेंस होता है, एक विरोधाभास मतलब कि अपोज करता है। जैसे फ्री मार्केट, मार्केट भी बात कर रहे हैं और फ्री भी बात कर रहे हैं, तो कभी मार्केट फ्री होती है क्या? मार्केट में तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये क्या है? विरोधाभास वाला, मतलब एक दूसरे के अपोनेंट है। उसके बाद अलोन टुगेदर, अकेला एक साथ, अब अकेला की भी बात हो गई है, अलोन मतलब अकेला और टुगेदर की भी बात हो गई है, टुगेदर मतलब एक साथ, तो ये क्या हुआ? हमारा विरोधाभास हुआ, इसमें हमेशा एक के अपोजिट वाले सेंस आएगा। उसके बाद दसवें नंबर पे हमारा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन होता है हमारा अवतार, अवतार मतलब किसी नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग चीज की क्वालिटी दे दी जाए, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है उसको अगर हम एक जीवित इंसान की कोई खासियत बता दें, खूबी बता दें, उसका सेंस दे दें, तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन अवतार कहते हैं। जैसे द फ्लावर्स नॉडेड, नॉड मतलब होता है गर्दन हिलाना, तो फ्लावर्स नॉडेड, फूलों ने गर्दन हिलाई। अब क्या फूल गर्दन हिलाते हैं? नहीं, गर्दन हिलाने का काम होता है इंसान का या जानवर का, लेकिन हमने किसको क्वालिटी दे दी है? ये फूलों को, तो ये क्या है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है द विंड हॉल्ड, मतलब हवा, विंड कहते हैं तेज हवा को, विंड हॉल्ड, हॉल्ड कहते हैं बहुत जोरों से जो आवाज होती है, तो विंड ने बहुत जोरों से आवाज की, तो क्या आवाज करना किसका काम होता है? जानवर का या इंसान का, लेकिन यहां पर हम विंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम निर्जीव में जीवित की एक क्या दे रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद बात आती है हमारी स्नैक डॉग, उसके ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होती है साइन डॉग, ये होता है हमारा उपलक्ष्य अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम पूरी चीज की बात नहीं करते, जो भी हमारी ऑल एंड ऑल चीज होती है उसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा अंश बताते हैं, छोटी सी चीज की बात कहते हैं, और हम पूरे को संबोध करते हैं, पूरे को इंडिकेट करते हैं। जैसे व्हील्स, व्हील्स का मतलब है आकार। अगर मैं बोलूं कि आई हैव गॉट व्हील्स, मतलब मैंने व्हील्स खरीद लिए हैं, अब यहाँ पे व्हील्स का मतलब पहिए नहीं है, व्हील्स का मतलब यहाँ पे है कार, तो उस सेंस में हम कहते हैं इसे स्नैक डॉग। उसके बाद है हमारा हायर्ड हैंड्स, अगर मैं कहूँ कि हायर्ड हैंड्स, तो हायर्ड हैंड्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने हाथ खरीद लिए, यहाँ पर मतलब है कि मुझे वर्कर्स मिल गए हैं। कहीं ना कहीं सेंस जो होगा वो अपर लेवल पे वही जाएगा, हायर हैंड्स मतलब हाथ तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन हाथ जो काम करेंगे वो खरीद लिए, मतलब काम करने वाले हाथ खरीद लिए, इसका मतलब मैंने वर्कर्स खरीद लिए हैं, वर्कर्स मैंने ले लिए हैं। उसके बाद आता है हमारा अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो ये होती है कि हम किसी पे जैसे कोई एक घटना घट जाए उस पर हम पर्दा डालते हैं, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हम किसी बड़ी चीज को एक छोटी सी करके बताएं। जैसे इट्स जस्ट ए स्क्रैच, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये छोटा सा स्क्रैच है, ये जस्ट एक स्क्रैच ही तो है, लेकिन हम उस चीज को रेफर किसे कर रहे हैं? टू ए लार्ज डेंट, मीन्स सपोज करो मेरी बाइक किसी कार से लग गई और उसमें बहुत बड़ा सा डेंट हो गया, तो मैं लेकिन क्या बोल रहा हूँ कि यार छोटा सा ही डेंट है, ये तो छोटी सी स्क्रैच है, लेकिन है क्या वो? एक बहुत बड़ा डेंट है, वो कई हजारों का खर्चा हो गया है, तो उस सेंस में उस चीज को हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसका, आई थिंक आई डिड ओके इन दैट एग्जाम, इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम में ओके किया, लेकिन इसका जो एक रेफर कर रहा है किस चीज को बता रही है कि टू एन अमेजिंग ग्रेड, मीन्स किसी बंदे की बहुत अच्छी ग्रेड आ गई, 80 90 100 99 नंबर आ गए, लेकिन वो दूसरे बंदों को दिखाने के लिए क्या कह रहा है? वो कह रहा शायद मैंने अच्छा किया है पेपर में, एग्जाम में, बहुत से बंदे देखे भी होंगे आपने, तो यही क्या होते हैं अंडर स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जो बड़े को भी बहुत सारे को बहुत छोटा सा करके बताएं, एक छोटी सी चीज बताएं जैसे कुछ है ही नहीं, पर्दा डालें उसको। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है एसोनेंस, एसोनेंस मतलब होता है स्वरों की एकता, मीन्स हमारे जो स्वर होते हैं जो हम बोलते हैं वो चाहे वोवल हो या कोई एक साउंड हो, उसको क्या बताएंगे? उसकी एक एकता बताएंगे, मीन्स उसको प्रेजेंट होना बताएंगे हर हमारे वर्ड में सेंटेंस के। जैसे हम यू वाला ले लेते हैं, तो अनसर्टेन रस्टलिंग ऑफ द ईच पर्पल कर्टेन, ये हम देखेंगे तो गौर से तो इसमें हमेशा यू का ही साउंड आ रहा है, अनसर्टेन रस्टलिंग ऑफ द ईच पर्पल कर्टेन, सभी में हमारे यू का साउंड आ रहा है। अब सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो ये है कि शी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन विद हर आईज ऑफ ग्रीन, इसमें हमारा जो साउंड आ रहा है बार बार ई वाला साउंड आ रहा है, तो ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं एसोनेंस के, और ये जितने भी हमारे 12-13 ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, और ये फिगर ऑफ स्पीच हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, इन्हें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, और इस तरह से जानना है कि आप दूसरे को भी पढ़ा सको,
क्यों? क्योंकि ए स्टार ट्यूशन पॉइंट और ए स्टार क्लासेस का सिर्फ यही ड्रीम है कि जो भी बच्चे हमसे सीखें वो इस तरह से सीखें कि दूसरों को भी सिखा सकें। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह के हमारे जितने भी ग्रामर का पोर्शन है और जितना भी एकेडमिक भी पोर्शन है उसको सीखने के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ ए स्टार ट्यूशन पॉइंट और ए स्टार क्लासेस अफजल सैफी के साथ, क्योंकि हम पढ़ लिख कर ही अपनी एक जो समाज की बुराइयां हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हम मुश्किलात का सामना करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस फिगर ऑफ स्पीच में या फिर किसी भी ग्रामर के पोर्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप जरूर क्वेरी कीजिए, हमें बताइए, हम आपकी उस क्वेरी को जल्द से जल्द वीडियो बना करके सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ और फॉलो कीजिए, और फॉलो कीजिए इस तरह से फॉलो कीजिए कि आप सीख सकें। अगर आप कुछ सीखेंगे तभी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए ए स्टार अफजल सैफी का गुड बाय।